राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं आ चुके हैं। अगले ब्लॉग में ही हमने बताया था कि बुआ के यहाँ आए हैं, शादी पड़ा है। तो फिर यहाँ बन रहा है गेहूँ, क्योंकि आज गेहूँ बनाने का रस्म है और चूल्हा जो बनता है, चूल्हा बनाने का रस्म है। तो फिर आज दोनों रस्म आज ही है। तो बस अब यहाँ पर गेहूँ बन रहा है, इसके बाद से गेहूँ बनने के बाद चावल भी बनेगा। तो अभी आज ही आए हैं हम, और अभी अभी एक वीडियो का एंड करके आ रहे हैं। तो हमने कहा कि बस अब यहाँ से हम थोड़ा बहुत जो भी ब्लॉग शूट किए हुए हैं फ्रेंड्स, आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबाकर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। और यहाँ देख सकते हैं गेहूँ तो अभी बन गया है, थोड़ा बहुत चावल वही बस बन रहा है। यहाँ मैं मिट्टी दिखा रही हूँ, यहाँ का मिट्टी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा भी मिट्टी में जैसे चिकनापन होता है तभी चूल्हा वगैरह अच्छे से बनते हैं। देख सकते हैं मिट्टी में घास भी बहुत ज़्यादा है, जैसे खेत का मिट्टी है, खनकर अभी ही आया है, तो उसी घास को मैं निकाल रही हूँ, मिट्टी को फोड़ कर, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा सा भूसा वगैरह डाल के, जो चारा होता है गायों का, तो मैं कर रही हूँ मिक्स। और एक बच्ची है, उसी को बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे चूल्हा बनता है, तो आप ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा चूल्हा का रसम कर दीजिएगा, क्योंकि आज बुआ वगैरह जो आने वाली हैं तो फिर बुआ ही चूल्हा डालती हैं, जैसे चूल्हा का रसम वही पूरा करती हैं। तो अभी आज वो भी आ रही हैं, गए हैं, जो बाबू का शादी पड़ा है वही गया है लेने के लिए बुआ को, लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा आने में। तो ये हुआ कि फिर रात हो जाएगा तो चूल्हा रसम नहीं पूरा हो पाएगा। तो ये भी जैसे बहन लगती है तो फिर डाल सकती है, चूल्हा रसम पूरा कर सकती है, तो यही कर रही है चूल्हा रसम पूरा। तो उसी को मैं बता रही थी, 5 चूल्हे पड़ते हैं, जैसे शादी पड़ता है तो चूल्हा रसम भी होता है, गेहूं बनाने का रसम होता है, हल्दी रसम, सारे रसम इसी वीडियो में है फ्रेंड्स। क्योंकि हमने जो भी ब्लॉग शूट किया था थोड़ा बहुत वहां बिल्कुल भी समय नहीं मिला, क्योंकि जो शादी विवाह का घर होता है बिल्कुल अगर कोई काम ना भी हो तो इंसान व्यस्त ही रहता है, क्योंकि वहाँ का माहौल जो होता है एक खुशी का ही माहौल होता है। और यहाँ चूल्हा रसम हो चुका है, तो फिर अब चलते हैं घर में, तो फिर देखते हैं कुछ काम वगैरह आप कर लेंगे, क्योंकि शाम हो चुका है तो फिर खाना वाना भी बनाना है। तो अब शाम का जो डिनर का तैयारी करना है, तो फिर अब आ चुके हैं घर के अंदर और चलते हैं किचन में सीधे। और इधर बच्चे लोग अपना आना जाना कर रहे हैं, तो कुछ बोल रहे हैं तो फिर मैं हंस रही हूँ वही। और फिर अब यहाँ से चलते हैं किचन में, और किचन में यहाँ रखे हुए हैं केवाँच। तो इस टाइम पे तो शाम का टाइम है तो यही बनाएंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा मेहमान कोई आए नहीं हैं, और अभी दीदी आने वाली हैं, दोनों दीदी आ जाएंगी और उनकी बहू भी। तो फिर यही हमने कहा बना देते हैं, क्योंकि मेरी बुआ को काफ़ी पसंद है। एक केवाँच हो गया और सेम का सब्जी हो गया, सेम का भरता हो गया, तो हमने कहा इस टाइम पे यही बना लेते हैं। और काफ़ी जैसे हाथ से ही हम कैमरा को पकड़े हैं, तो वही मैं देख रही थी कैमरा में ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि ट्राईपॉड तो है नहीं, कहीं जाएंगे तो फिर ट्राईपॉड लेके जा नहीं सकते हैं, तो फिर वही और वही मैं देख रही थी ठीक से दिख रहा है कि नहीं। और यहाँ पे इतना हम बनाएंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा है इसको यहाँ से हटा देंगे। और किचन काउंटर के ऊपर देख सकते हैं काफ़ी जैसे इकरा बिखरा सा सामान है, क्योंकि शादी का घर है तो फिर ऐसे ही फैला पड़ा हुआ। और वैसे भी किचन काउंटर के ऊपर गैस नहीं रखा जाता था, नीचे ही खाना बनता था और सारे सामान जो हैं ऐसे फैले रहते थे। तो फिर हमने कहा कि इसी पे बनाएंगे, क्योंकि मेरा आदत है मैं बैठकर खाना नहीं बना पाती हूँ, चूल्हे पे बनाना होता तो फिर मजबूरन बैठना पड़ता, लेकिन जब गैस पे बनाना होता है तो खड़े होकर ये आदत है। और यहाँ आ गई हैं हमारी जेठानी जी, तो बस कुछ बोल रही थी हमसे तो याद नहीं है इस टाइम पर। और यहाँ पर गैस हम चालू करके रख देते हैं, केवाँच हमारा उबल जाएगा, जब तक कि उबलते रहेगा, शाम काफ़ी हो चुका है, तब तक दीदी उदी भी आ जाएंगे तो सभी लोग मिलकर इसको छील लेंगे, क्योंकि इसे छीलने में भी टाइम लगता है।
और जो भी है इसको पहले ढक देते हैं अच्छे से। और आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा फ्रेंड्स, मुझे पता है आज का ब्लॉग जो है काफ़ी लेंथी हो गया है, और इसी ब्लॉग में हमने सारा क्लिप जो भी सारे रस्म का होता है सभी कुछ दिखाया है, बस खाली मेहंदी का ही रस्म छूट गया है। मेहंदी रस्म काफ़ी रात में ही मेहंदी लगा था, टाइम हो गया था मेहंदी रस्म होने पे, तो इसीलिए मैं उसी में बिजी थी, थोड़ा गाना बजाना भी चालू हो गया था तो फिर मैं नहीं कर पाई। और यहाँ मैं सृष्टि को कुछ लाने के लिए बोल रही हूँ तो जा रही है लाने, और इसके बाद से फिर मॉर्निंग में मिलते हैं आप लोगों से। तो देख सकते हैं मॉर्निंग में वही चूल्हा है जो चूल्हा का रस्म कल हुआ था, तो यहाँ पर आज इसमें मिट्टी लग रहा है कि क्योंकि चूल्हा बनता है जब तो इसी चूल्हे पे प्रसाद वगैरह भुने जाते हैं, तो आज मिट्टी लग जाएगा तो कल हो जाएगा भत्वान और उसके दूसरे दिन बारात जाएगा। तो भतवान के दिन इस पे प्रसाद वगैरह भूजे जाते हैं। और ऐसा हुआ कि अभी तो धूप है दिख रहा है फ्रेंड्स, और रात में बारिश भी काफ़ी होने लगा, तो चूल्हा गीला तो था ही पहले से, अभी देख सकते हैं गीला ही है, और रात में काफ़ी भीग गया था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया, गीले चूल्हे पर ही हमने प्रसाद बनाया। बुआ बोल रही थी बना लें गए तो हमने, और हमने कहा जो रसम है वही होना चाहिए, किसी भी तरीके से मैं चूल्हे पर ही प्रसाद भूनूंगी, तो हमने गीले चूल्हे पर ही प्रसाद भूना था और बहुत ही अच्छे से भून भी गया था, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ था मुझे। और यहाँ सृष्टि ही ब्लॉग बना रही है तो फिर कैमरा थोड़ा बहुत खुलेगा, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ सामने का क्लिप दिखा रही है, बुआ बैठी हैं, बच्चे हैं और भैया जी हैं, तो सभी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ मैं लगा रही हूँ चूल्हा में मिट्टी, क्योंकि बच्चे छोटी सी बच्ची थी वही डाली थी चूल्हा, और दीदी ने मिट्टी लगाया हुआ था तो थोड़ा सा तिरछा दिख रहा था मुझे, हो गया है फ्रेंड्स। तो रात को हो रहा है डांस वगैरह, तो हमने थोड़ा सा क्लिप ले लिया, वैसे भी जैसे कि म्यूजिक वगैरह नहीं डालते हैं नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, आप लोगों को पता ही है, तो वीडियो का कोई मतलब ही नहीं होगा, डिलीट करना पड़ेगा वीडियो को। तो यहाँ गाना बजाना चल रहा है। हल्दी रसम से पहले ये रसम होता है, जैसे चावल और गुड़ वगैरह दिए जाते हैं, तो फिर वही दीदी दे रही हैं सबको, और फिर इसके बाद से तुरंत से चलेंगे बाहर, तो बाहर भी कुछ रसम होते हैं उसको पूरा करने के बाद, तो फिर चलेंगे वही जो मिट्टी तालाब से उठाया जाता है वही मिट्टी लेने। और यहाँ आंगन में देख सकते हैं अभी भी सभी लोग हैं, तो फिर ऐसे करके हमने सारा क्लिप, अभी तो चावल वगैरह जो कैसे क्या बढ़ते हैं क्योंकि हमारे ससुराल साइड तो नहीं होता है, मायके साइड होता है ये रसम, तो वही बट रहा है। और यहाँ आ चुके हैं अब बाहर, तो यहाँ भी कोई रसम है तो उसको पूरा करने के बाद फिर चलेंगे मिट्टी लेने के लिए, जो तालाब वगैरह से मिट्टी उठाए जाते हैं वही मिट्टी लाना है। तो यहाँ पर मैं सामने से थोड़ा सा क्लिप ले रही हूँ, हमने कहा ले लेते हैं क्योंकि अब जहाँ मैं ब्लॉग बना रही थी वहाँ तो मेरा बिल्कुल भी कहीं भी क्लिप नहीं आया है, और जहाँ अगर बच्चे बना रहे थे तो वहाँ भी मैं किसी न किसी काम में लगी रहती थी, तो वहाँ भी मेरा कोई क्लिप ही नहीं आया, तो हमने कहा थोड़ा बहुत अपना भी क्लिप दिखाते हैं, इसीलिए सामने से हमने लिया था थोड़ा सा। और यहाँ देख सकते हैं ढोलक वगैरह के होते हैं, सभी लोग जैसे सीना जो भी कुछ होता है सभी कुछ क्या बोलते हैं सीनाएँ वगैरह होता है, तो ये सारे रस्म तो मेरे बेटे की शादी में तो सासू माँ ने ही किया था, तो फिर उतना ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं है। तो और यहाँ पर अभी चल रहे हैं मिट्टी लेने के लिए, जो तालाब से मिट्टी लिया जाता है, तो यहाँ का रस्म है खेत में ही, खेत से ही सभी लोग मिट्टी उठाते हैं, तो यहाँ से मिट्टी लिया जाएगा और इसके बाद चलेंगे वहाँ जो माड़ो लग गया है वहाँ पर। तो खांसी बहुत ज़्यादा आ रहा है फ्रेंड्स, क्या करें, और बार बार अगर हम वॉइस ओवर को कट करेंगे तो फिर लेट भी हो रहा है, क्योंकि आज है दिन शुक्रवार, शुक्रवार के दिन ही हमने अपने ब्लॉग को आप लोगों तक पहुंचाया था, और आज शुक्रवार, एक हफ्ता हो गया मुझे आप लोगों के पास ब्लॉग वीडियो भेजे हुए, तो फिर आज भी लेट हो गया है क्योंकि तबीयत भी ठीक है और खांसी बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो फिर आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा हो सर्दी जुकाम खांसी से काफ़ी परेशान हो चुके हैं, और थोड़ा ठीक ठाक थे वहाँ पर,
लेकिन घर पे आने के बाद थोड़ा तबीयत अब ठीक नहीं है और खांसी से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो फिर दवा वगैरह लिए हैं, आराम हो जाएगा, लेकिन अभी के टाइम पे तो काफ़ी परेशान है। हमने कहा बस जो भी ब्लॉग है हमारा आप लोगों तक पहुंचा देते हैं किसी भी तरह से वॉइस ओवर करने के बाद। तो यहाँ लगे हुए हैं वॉइस ओवर करने में, यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग सड़क पे ही खड़े हैं, क्योंकि खेत में जिस खेत से मिट्टी उठा रहे थे वो खेत काफ़ी गेहूँ वगैरह बोए थे, तो इसीलिए कोई नहीं गया। यहाँ हमारी जो ननद हैं, बुआ की लड़की, उन्हीं की बहू हैं, तो बड़ी बहू हैं ये उनकी। तो बस हमने कहा कि शादी में आए हैं, सभी लोगों से अपना मिलना जुलना है, तो थोड़ा बहुत सबका ब्लॉग भी ले लेते हैं, आप लोगों से भी मिलवाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बस अब यहाँ से जो भी रस्म था पूरा हो चुका है, मिट्टी वगैरह ले चुके हैं, तो फिर सभी लोग आ रहे हैं और इसके बाद से फिर चलते हैं। जो भी है घर, अभी तो कहीं और जाना है तो यहाँ से फिर वहाँ चलते हैं। तो वहाँ से लौटने के बाद तो फिर आ जाएंगे घर पे, और यहाँ से लौट वहाँ से हम लोग लौट आए हैं और एक घर पे रसम हो रहा है, जो ये देख सकते हैं चकरी होता है जो दाल दरने वाला, इसको ये भी जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि इसको जैसे अघाया जाता है, तो और से लोड़ा जो भी है कुछ यहाँ से जो लड़के की माँ होती है या लड़की की, तो फिर नहीं छुएंगी जब तक शादी का सारा रस्म पूरा नहीं हो जाएगा। तो ना तो सील लोढ़ा जो नल होता है पानी चलाने वाला, ये सब उनको नहीं छूना पड़ेगा। तो बस अब यहाँ से ये सब सारे रस्म हो चुके हैं, हल्दी का जो भी है शाम भी हो चुका है काफ़ी, तो तिल गुड़ जो बटने वाला रस्म था फ्रेंड्स, तो सारे क्योंकि शाम हो चुका था, ठंड का माहौल है, ठंड का मौसम है, तो फिर इसीलिए सभी लोग चले गए थे। और कल अपना जो भी है आसपास के लोग हैं तो फिर कल आकर अपना नहीं पाए हैं। और यहाँ पर हो रहा है जो ये रस्म, तो फिर यहाँ से सारी रस्म धीरे धीरे सभी पूरा हो गए, शाम हो गया था। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ जनेऊ का काम होता है, तो यहाँ पर बरुआ भी करवाना है, जो बरुआ बोलते हैं। तो अभी तो पंडित जी अपना थोड़ा बहुत क्या रस्म करवा रहे हैं उसी का, उसके बाद से फिर कल पूरा बरुआ रस्म पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर माड़ो भोजन रसम हो रहा है, तो ये देख सकते हैं सभी लोग अपना माड़ों में बैठे हुए हैं, माड़ों का भोजन चल रहा है। और आज का वीडियो काफ़ी जैसे लेंथी तो है ब्लॉग आज का, लेकिन आप लोग फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, फुल सपोर्ट कीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा और आप लोग भी इंजॉय कीजिए क्योंकि शादी के सभी रस्म एक ही वीडियो में हमने दिया हुआ है। बस दुल्हन आने के बाद जो रस्म होता है जुआ खिलाई वगैरह के, तो रस्म नहीं दे पाए हैं क्योंकि काफ़ी बहुत बड़ा हो जाता वीडियो, और बीच बीच में खांसी भी आ जा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि खांसी से बहुत ज़्यादा शाम को ही परेशानी होती है, मॉर्निंग के टाइम और शाम के टाइम, और बाकी के दिन में धूप होते हैं तो बल उतना ज़्यादा खांसी नहीं आ रहा है। और काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ थे तभी से मुझे सर्दी जुकाम खांसी का प्रॉब्लम था, और वहाँ चले गए थोड़ा बहुत पानी का बदलाव भी हुआ इसीलिए ठीक नहीं हुआ, नहीं तो अब तक ठीक हो गया होता। तो अभी देखते हैं आराम हो जाएगा, दवा तो ले रहे हैं। और यहाँ भोजन का रस्म पूरा हो चुका है, तो जो पतल जाता है हमारे यहाँ घूर जो बोला जाता है, घूर पे पतल जाता है लड़का अपने हाथों से उसको उसके अंदर घूर में दबा जैसे गाड़ता है, और
सभी लोग जा रहे हैं, जो नीला शॉल ओढ़े हैं हम हैं, और मेरे बाजू में बुआ की बड़ी बेटी हैं। तो ऐसे करके सभी लोग जितने लोग थे वहाँ पर मौजूद, उतने लोग चल रहे हैं घूर के पास। तो इस रस्म को भी पूरा कर लेते हैं। और गला शाम का टाइम है फ्रेंड्स, वॉइस ओवर कर रहे हैं, इसीलिए खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। और कब तक खांसी आने के बाद अगर वॉइस ओवर का क्लिप काटेंगे तो फिर से फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, समय भी लगेगा। तो आज तो शुक्रवार है और शाम के इस टाइम पे मैं 7 बजे वॉइस ओवर करने बैठी हूँ, क्योंकि थकान भी काफ़ी लगा था। तो थोड़ा सा हमने आराम भी किया, और किसी की वीडियो पर इस समय जा नहीं पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि समय ही नहीं मिला। और वहाँ से अभी आए हैं तो फिर थोड़ा मैंने कहा आराम करने के बाद घर का साफ़ सफाई, सभी कुछ क्लिप दिखाएंगे, सब कुछ शूट किए हुए हैं, कल के ब्लॉग में हो सकता है जाएगा आप लोगों को। और देखते हैं आज ये ब्लॉग आप लोगों तक पहुँच पाता है कि नहीं, क्योंकि ब्लॉग भी काफ़ी लेंथी है और काफ़ी लेट में तो हम वॉइस ओवर ही कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कितना जल्दी अपलोड हो जाएगा। अगर 9 बजे तक भी अपलोड होगा तो हम आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचा देंगे। तो और यहाँ देख सकते हैं सारे रस्म पूरे हो रहे हैं फ्रेंड्स, और जो अब बस वही है जो शादी का रस्म होता है, बस वही पूरा करना है, क्योंकि बरुआ रस्म भी होता है यहाँ घर पे ही होता है। और हमारे यहाँ क्या है कि डांस वगैरह चल रहे हैं, सब लोगों ने डांस किया। और यहाँ हम दीदी के साथ आए हुए हैं जो चौरा माता का, और जैसे सभी देवी देवता होते हैं ना, मॉर्निंग के टाइम सबसे पहले उनको धार वगैरह चढ़ाते हैं, कोई भी रस्म हो तो बस वही चढ़ाने आई हैं। तो वहाँ पर जो चौरा महारानी है उनको चढ़ा दी हैं, जो कुल देवी बोलते हैं अपने गांव की देवी को कुल देवी बोलते हैं, कुल देवी का पूजा कर ली हैं, और इसके बाद से अब यहाँ कर रही हैं, इसके बाद से फिर चलेंगी जो घर पे। तो जो भी और देवी देवता का पूजा, जैसे जैसे शादी विवाह के रस्म में किसी भी देवी देवता को छोड़ना नहीं चाहिए, सभी को पूजा करना चाहिए, और जो भी है अच्छे से धार वगैरह देते हुए जिनको जैसे पूजा करना होता है वैसे, बड़े जैसे बताते हैं वैसे ही करना चाहिए। तो बस यहाँ अब आज बारात जाने वाली है, उससे पहले यहाँ पर नहा रहा है, देख सकते हैं ये हमारे दिखाने का बड़ा बेटा है जिसका नाम है राज, और इसी का शादी का हुआ है, और शादी भी रिलेशन में ही हो रहा है, हमारे मामा के लड़के की लड़की है उसी से। उधर से भी बुलावा था मुझे लेकिन मैं उधर नहीं जा पाई, और यहाँ आना मेरा बहुत जरूरी था, तो इसीलिए यहाँ पर सभी तैयारी हो चुका है। और बस यहाँ आए जो सजा रहे हैं, एक पप्पा लगेंगे बड़े पप्पा में, और जो ये साड़ी में जो हरा कलर का साड़ी है, येलो ब्लाउज है, ये हमारी छोटी लड़की है, और ये बड़े पप्पा सजा रहे हैं। तो लड़के के पप्पा लग रहे हैं और मेरे जीजा लगे हुए, तो फिर ऐसे करके सब लोग आने लगे हैं। और यहाँ पर माड़ों में दुल्हा सजाने का रस्म चल रहा है, और बुआ हैं तो वो काजल लगा रही हैं, अभी बुआ लगती हैं। और देख सकते हैं सभी बच्चे लोग भी बैठे हैं, सामने कुर्सी पर बुआ भी बैठी हैं, उधर दिख रहा होगा आपको। और काफ़ी आंगन भरा भरा सा है, क्योंकि जो भी है सभी घराने के लोग भी आए हुए हैं बुआ के। तो और दुल्हा देख सकते हैं सजने के बाद काफ़ी प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर सवल्ला भी देख लीजिए, उसको भी दही वगैरह जो रसम होता है वो खिलाया जा रहा है, और दूल्हा और सवल्ला दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर सारे रसम पूरा हो चुके हैं, बस वही जूता पहनाने का रसम हो रहा है, और से बाहर निकलने की तैयारी। ये देखो हमारे बड़े पापा हैं, भी ब्लॉग को बना रहा है, तो दिखा रहा था कि मेरे बड़े पापा हैं, तो वहाँ मैंने अपनी आवाज़ को बंद कर लिया था। और सभी लोग चल रहे हैं, और मेरा भी कहीं जैसे कोई अच्छे से क्लिप नहीं आया हुआ है। और ये जो बच्चे हैं ये
ये देख सकते हैं, ये हमारे बड़ी दीदी जो हैं बुआ की लड़की के लड़के हैं, और बाजू में हमारे बुआ का जो नाती दूसरा वाला है छोटा, और दोनों जुड़वे हैं एक जैसे ही, इन दोनों का जैसे फेस है देखने में कौन बड़ा कौन छोटा कोई समझ ही नहीं पाता है। तो दूसरा वाला हम नहीं दिखा पाए क्योंकि ये जो ब्लॉग बन रहा है इस टाइम पे सौरभ भी बना रहा है, सबका क्लिप ले रहा था और गला बिल्कुल ठीक नहीं है फ्रेंड्स, तो इसीलिए आवाज़ भी मेरा थोड़ा जैसे दबकर निकल रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अपना जैसे वॉइस ओवर करें, लेकिन अच्छे से मुझसे वॉइस ओवर हो नहीं पा रहा है क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और दुल्हा देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो माड़ो होता है वहाँ पर पान शुभ माना जाता है, तो पान खिलाया गया है माड़ो में, तो वही खा रहा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ देख सकते हैं गांव के सभी लोग इकट्ठा हैं और दूल्हा जा चुका है, जो गांव के कुलदेवी होती हैं। जब दूल्हा तैयार हो जाता है तो कुलदेवी के दर्शन के बाद ही बारात निकलती है, तो दूल्हा उस इसी रास्ते से जा चुका है कुलदेवी का दर्शन करने। और यहाँ पीछे पीछे दीदी भी जा रही हैं, और जिनको जाना था जिन्हें नहीं जाना था वो जिनके पास डांस वगैरह चल रहा था। और यहाँ कुलदेवी के दर्शन के बाद परछन वगैरह का जो रसम होता है वो चल रहा है, तो परछन हो रहे हैं। हम देख सकते हैं कैमरा वाले हल्दी के दिन से ही लग गए थे, हल्दी के दिन का जो रसम होता है उसी दिन से। और यहाँ पर मैं वहाँ का क्लिप नहीं दिखा पाई हूँ फ्रेंड्स, अगर हो सके तो आप लोगों को अगले ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो शादी के बाद ये दूसरे दिन का क्लिप है, तो बारात आने के बाद का ये है, दुल्हन उतर रही है तो देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ ये दुल्हन की मौसी है, जैसे कि दूल्हे की यानी मेरी जिठानी की बहन है दोनों जो गई। तो मैं थोड़ा थोड़ा जिनको देखूंगी आप लोगों से भी परिचय ज़रूर करवाऊंगी। और यहाँ दूल्हा है पीछे पीछे और दुल्हन है, क्योंकि यहाँ का रस्म ऐसे ही है, हमारे यहाँ भी जैसे जैसे जो रस्म होता है सभी रस्म करवाए जा रहे हैं। तो और सभी लोग गांव के लोग भी हैं, और जो जितने भी जैसे बुआ के घराने के लोग हैं सभी लोग इकट्ठा हैं। और अब यहाँ पर कोहबर में बैठाए हैं दुल्हन, और जो रसम होगा कोहबर में जो होता है उसको करवाने के बाद तो कैमरा वाले भैया हटेंगे। और देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, थोड़ा सा भी जगह कहीं नहीं था कि कहीं से ब्लॉग हम ले सकें, तो बच्चों ने ही थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाया था इस टाइम पे, सृष्टि बना रही है तो थोड़ा बहुत कहीं सृष्टि बना ली थी, कहीं सौरभ बना लिया था, और कहीं कहीं मैं अपना जब मेरे हाथ में मोबाइल होता था तो सामने से मैं क्लिप ले लेती थी थोड़ा। और यहाँ ये जो कोबर का रसम होता है वो रसम हो रहा है, और गला काफ़ी ख़राब है फ्रेंड्स, आप लोगों को आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। और आज के वीडियो में कोई भी हमने म्यूजिक वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है, ना तो कोई जैसे कि हमारा ये एक शादी विवाह का जो वीडियो होता है अपने लाइफ में ज़िंदगी भर के लिए हमारे लिए यादगार होता है, कभी भी चाहेंगे तो हम अपने मोबाइल में अपना वीडियो नहीं देख सकते हैं, लेकिन किसी के मोबाइल से भी हम इस वीडियो को देख सकते हैं, कभी भी याद कर सकते हैं अपने बच्चों के इस छोटे छोटे पल को हम देख सकते हैं, क्योंकि ये शादी विवाह का खुशी एक अलग ही होता है। और अगर ये हमारे कैमरे में कैद रहेगा तो कभी भी हम इसको देख सकते हैं और अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा तो क्या पर लाइफ में एक यादगार बन के रहेगा, जब चाहेंगे हम देख सकते हैं इस पल को, तो बस इसीलिए। नहीं तो फिर अगर ये पल छूट जाते हैं तो फिर बस सोचने से ही हम सोच ही सकते हैं। वैसे तो कैमरा में अगर कैद रहेगा तो छोटे छोटे पल को हम देख भी सकते हैं। और यहाँ दुल्हन आप लोग भी देख लीजिए, दुल्हन मेरे मामा के लड़के की लड़की है, मेरी भतीजी लगती है, और यहाँ सृष्टि ही बना रही है ब्लॉग को। और दूल्हा भी मेरा बेटा ही लगता है, क्योंकि मेरे बुआ के बहू देख सकते हैं, मेरी बुआ की बहू ये हैं और यही अघाई थी क्योंकि लड़के की माँ हैं, तो दूल्हा भी मेरा बेटा ही लगता है। तो काफ़ी अच्छा लगा ये दोनों दूल्हा दुल्हन का जोड़ा और रिश्ता
बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ दुल्हन आशीर्वाद ले रही है अपने सासू मम्मी से, दुल्हा दुल्हन दोनों लोग अब माता जी से अपने आशीर्वाद ले रहे हैं। और इसके बाद से फिर अभी घर में भीड़ काफ़ी लगा ही है, और इसके बाद से यहाँ के रसम जब पूरे हो जाएंगे तो फिर वही जो होता है पूजा का रसम होता है और मौरी छुटाने का रसम, सभी रसम होंगे। क्योंकि आज अच्छा दिन है, जिस दिन दुल्हन उतरी थी बुधवार का दिन था, तो मौरी वगैरह जो छुटने का रसम है सभी पूरा हो चुका है, वो दिखाएंगे अगले ब्लॉग में। और यहाँ बुआ दे रही हैं अपने नतोहू को मुँह दिखाई, क्योंकि नतोहू है इनकी। और देख लीजिए आप लोग भी अच्छे से दुल्हन कैसी है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और यही दी है बुआ, कान में का झाली है मुँह दिखाई में। तो हमने कहा इस क्लिप को ले लेते हैं, क्योंकि ये पल जो है काफ़ी मेरे लिए बहुत ही एक बहुत ही यादगार पल होगा, इसीलिए मैंने इस पल को कैमरे में कैद कर लिया। क्योंकि बुज़ुर्ग जो होते हैं, देख सकते हैं इस टाइम पे फूफा जी नहीं हैं, और काफ़ी फूफा जी का याद भी आ रहा था मुझे, क्योंकि शादी के लिए बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। तो इसीलिए हमने कहा इस पल को मैं नहीं छोड़ूंगी, कम से कम कैमरा में कैद रहेंगी तो बुआ जी भी ये पल हम कभी भी देख सकते हैं, यादगार रहेगा हमारे लिए। और दुल्हन और बुआ का साथ में ही हमने क्लिप लिया था। और इसके बाद से फिर मॉर्निंग का क्लिप हो जाएगा इस टाइम पर, और शाम का ही टाइम है। और यहाँ भैया जी आए हैं, इन्हीं की बहू है, देख सकते हैं मुंह देखने के लिए दुल्हन का। तो मैं बोल रही थी कि अब पापा तुम्हारे यही हैं। और इसके बाद से पैर छूकर आशीर्वाद लिए। और इसके बाद मैं रात में, क्योंकि काम थे, भागम भाग था, तो मैं रात में मुंह दिखाई नहीं दे पाई थी। मॉर्निंग का टाइम है तो मैं बुआ को पहले दिखा रही हूँ कि जा रही हूँ दुल्हन का मुँह देखने बुआ। तो ये रिंग मैं दे रही हूँ दुल्हन को, सोने का रिंग है। और इसके बाद से मैंने सोचा खाली रिंग नहीं देंगे, उसके साथ कपड़े और 500 रुपये भी दे देते हैं। तो नीचे है, देख सकते हैं आप लोग। तो बस वही बुआ से मैं शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद से सारे सामान को मैं साइड में रखते हुए रिंग पहना दूँगी दुल्हन के हाथ में। और इसके बाद से बुआ रात में जो दी थी आप लोगों से शेयर ही किए थे, भैया बस पैसे दिए थे मनी, तो बस ऐसे करके सभी लोगों ने दिया। और बड़ी दीदी क्या दी थी मैं नहीं देख पाई थी। और यहाँ मैं जा रही हूँ, मेरा हालत क्या है आप लोग देख ही सकते हैं, क्योंकि शादी विवाह का घर भी है और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, और मॉर्निंग का टाइम है इस टाइम पे। तो बस अभी चलेंगे यहाँ से नहाने के लिए। तो बड़ी दीदी, ये छोटी दीदी हैं, बड़ी दीदी ने क्या दिया मैं नहीं देख पाई थी, उस टाइम पर मैं थी ही नहीं, कोई काम में बिजी थी। और यहाँ बड़ी दीदी 500 रुपये हैं, और पायल है, पायल भी ठीक ठाक है और हैवी है। तो फिर मुँह दिखाई में दे रही हैं, तो वही मैंने कहा दिखा दो हाथ में अच्छे से, तो दुल्हन दिखा रही है। तो मैंने कहा सभी का क्लिप ले लेते हैं जहाँ तक, क्योंकि ये सब पल जो होगा एक यादगार पल है, कभी भी हम देख सकते हैं जब हमारा मन करेगा। शादी विवाह का जो क्लिप होता है एक याद। वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे फ्रेंड्स, यहीं पे कर लेंगे वीडियो का एंड। और तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, सर्दी खांसी की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है बोलने में, गले में बहुत ज़्यादा खराश है और खांसी तो पल पल पे आ रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए। और अब देखते हैं हमारा ब्लॉग कब तक आप लोगों तक पहुँच पाता है। तो वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं वीडियो का एंड। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।